हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शो डिस्टेंसिंग। क्योंकि हम दोनों दूर दूर हैं इसलिए हम इसको सोशल डिस्टेंस शो बोलेंगे। और मेरा नाम जैस, और मेरा आप नाम जसदीप है। तो मैं आपको क्विक अपडेट्स दे देता हूं। आज की क्विक अपडेट्स कोविड-19 के लिए ये है कि ऑल टुगेदर अभी तक 11,97,405 कंफर्म्ड केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो चुके हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो बढ़ के 64,606 हो चुकी है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यूएस अभी फर्स्ट नंबर पे लीड कर रहा है। स्पेन इटली की जगह पे अब स्पेन आ चुका है, जहां पे ऑल टुगेदर 1,26,168 कंफर्म्ड केसेस है, और थर्ड नंबर पे अब इटली है। बस घर पे बैठे थे और फाइनली वी हैव टू डू समथिंग, और जैसे ही मैंने कुछ वीडियोस देखी फेसबुक पे जो कि काफी शर्मदायक थी अगर बोलू तो नहीं, शर्म तो क्या, मैंने भी देखी, वो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। उसका हैशटैग क्या कहते हैं, 9 मिनट, 9 बजे 9 मिनट का। क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में भी कहा था कि यार, मोदी जी ने कहा था लास्ट टाइम थालियां बजानी है, लोगों ने थालियां तोड़ दी, बिल्कुल उस पर भी गाइस वही काम गाइस हुआ है। सॉरी, मैं आपको जसदीप 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि गाइस प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने लिंक में ऐड करी है, क्योंकि मैंने स्पेशली इस बारे में बात की थी कि लोग इस जो मोदी जी ने एक अच्छा सा मैसेज देने को जो बोला था, उस पूरे मैसेज का लोगों ने क्या कबाड़ा कर दिया। और जैसे मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, लिटरली अभी यहाँ पे आग लगा दिया उन्होंने। पटाखे चला दिए, लोगों ने आग लगा दी है। हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं, हम इंडिया से बाहर बैठे हैं, और गाइस मे बी आप तक ये सारी चीजें आप इंडिया के बाहर तक न्यूज नहीं देख पाते, बट इंडिया का नाम आप खुद खराब करने लगे रहते हैं। ये और तो यहाँ भाई पे होना ही इतने था। इंडिया देख, ये भी रियलिटी है कि मोस्टली बंदे 90% बंदे सही हैं, जो जो कि सही रिएक्ट करते हैं और अपना सही सही चलता है। पर क्या कहते हैं, पर जो होते हैं अनपढ़ के बाहर, जो डिसाइड करते पर हैं कि हमने करना है जसदीप करना है, पढ़ा। आप मेरी एक बात मानेंगे या नहीं मानेंगे कि बिल्कुल सही कहा आपने, जो 90% लोग होते हैं वो सही होते हैं, और सिर्फ 10% पर लोग जो होते हैं वो 90% अच्छाई को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ, मैं 10% भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 2% की जो बुराई होती है लोग सिर्फ उसी को ही देखते हैं। ये तो रियलिटी है भाई। हमेशा चाहे 1% आप नेगेटिव हो, तो 1% ज्यादा दिखता हमेशा वो मैं आपका। उन लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलियों में जरूर ये बात बोलें कि इंडिया का एक बहुत ही खराब नाम बन रहा है आप ये जो काम कर रहे हैं उससे। इट वॉज सच अ सिंपल मैसेज, इट वॉज कितनी कितनी की डिफिकल्ट बात थी ये कि आपको सिर्फ एक कैंडल जलानी है और अपने घर के बाहर रखनी है, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल, वो ही करना था। देखो, हर 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 एक जगह, हर एक कम्युनिटी पे गंदे अंडे तो होते ही होते हैं, तो वही वही ये गंदे अंडे हैं बस। और बाकी सब कुछ ठीक है, और क्या कर सकते हैं बाकी। पर हाँ, मैं बताना चाहता था कि ये जो सारा मूव था मोदी जी का, सिर्फ ये मोटिवेशन के लिए था। लोगों ने जो उसकी कहानियां बनाई हैं, जो राहु केतु चलाए हैं इसके, मतलब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं वो। चूतिए बंदों को समझाने के लिए चूतिया चीजें निकाली गई। अच्छा, अब मेरे को एक और बात, चलो हंसी मजाक तो बहुत हो गया, ये सब खैर चलता रहेगा। जस्ट टू लेट यू नो कि मेरा फाइनली मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गई है टेस्ट की, और मेरे को कल के दिन मेरे को मेल आई थी, तूने और क्यों बुक किया, तेरे को कोई सिम्टम थे क्या? आई थिंक के व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी ऑफिस काफी लेट तक चल रही थी, राइट? मेरी ऑफिस ज्यादा टाइम तक चल रही थी और मैं बस चाहता था कि हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है तो सही है। क्योंकि मैंने भी सुना है कि रीसेंट स्टडी इसके अकॉर्डिंग जो काफी परसेंटेज में जो केसेस आ रहे हैं, वो उनका कोई सिम्टम नहीं है, तो इट्स बेटर टू गेट इट चेक। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार चेक करा लूँ, क्या राइट पता मेरा होके हट भी गया हो।
राइट अगर मेरे को वो तो मेरे घर पे भी होना चाहिए था किसी को, आपको हो पर के किसी हट को नहीं गया, अभी तक। आप इम्यून हो नहीं, मैं आपको। ये कह रहा हूँ, मैंने सुना है कि अभी देखा भी काफी बंदों की वीडियो, जो एक नया तरीके का टेस्ट आया उसमें वो टेस्ट करते हैं कि आपकी जो बॉडी में एंटीबॉडीज है कि नहीं, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज कोरोना वायरस की आपके पास आपकी बॉडी में है, मतलब कि आपके शरीर ने उसको किल कर दिया ऑलरेडी, ऑफ खत्म कर कोर्स दिया, ठीक राइट। है। अगर नहीं है तो मतलब आपको अभी नहीं हुआ है, ठीक है, या तो हो चुका है और अभी आपकी वो लड़ना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। राइट। अभी मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड के उसमें था क्या कहते हैं एंटीबॉडीज थे, ठीक है, बट उसके में नहीं थे। तो वो उसने डॉक्टर से पूछा है भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वे तो मेरे से कितनी देर से रह रही है, बताऊं कैसे और पॉसिबल हो हाँ सकता है, ये बताऊं कैसे पॉसिबल हो नहीं, उस मैं सकता बता रहा हूँ है। कि उसने डॉक्टर ने ये कहा कि यही पॉसिबिलिटी है, देख 99% इसके चांसेस है कि करेक्ट वो है टेस्ट, ठीक है, 1% चांसेस है भी गलत हो जाए, पर मोस्टली उसने ये कहा कि यही सिनेरियो बनता है कि तेरे को हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और तू रिकवर हो चुका है, ठीक है, राइट होके रिकवर हो चुका है और तेरी एंटीबॉडीज भी जा चुकी है, मतलब जा राइट। चुकी है इसका मतलब कि काफी देर पहले हुआ था तेरे को और तेरे से फिर तेरी गर्लफ्रेंड को हुआ, और उसकी एंटीबॉडी है, मतलब कि उसकी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और या तो लड़ रही है या तो लड़के हट चुकी हैं फिर, पर अभी खत्म नहीं है, उसको रिसेंटली हुआ मतलब, और सही है। दोनों के कोई सिम्टम नहीं थे, जीरो सिम्टम। वेल लेट्स सी। तो बहुत कुछ, इट्स बहुत सारी बेटर टू चीजें गेट हैं, बहुत चेक्स। कुछ। एग्जैक्टली, क्योंकि यू नेवर नो। अभी इन सब चीजों का आई स्टिल से कि अभी भी ये काफी इनिशियल स्टेज पे है, और जब तक ये इनिशियल स्टेज पे, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बट जब ये ज्यादा मास पे होने लग जाएगी, जैसे कि डबलिन की ज्यादा पॉपुलेशन में ये होने लग जाएगा, तो सब लोग जाएंगे। तो जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, मैं बस चाहता था कि मेरे को अपॉइंटमेंट मिल जाए और मेरा टेस्ट हो जाए तो बस। क्या कहा फिर तूने, जीपी को कॉल किया होगा फिर? यहाँ पर तो यस। आयरलैंड में प्रॉब्लम चल रही है काफी कि काफी देर लगा रहे हैं। और जीपी ही आगे आपको हेल्प करेगा आपका फॉर्म फिलअप करने में और आपकी अपॉइंटमेंट देने, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवाने। तो तेरे को मैसेज आएगा फिर अब? मेरे को एक्चुअली जीपी की तरफ से कंफर्म हो चुका है, बट मेरे को एचएससी से मेरे को मैसेज अभी आना बाकी है हाँ, वो कि टाइम मेरा। लगाएंगे क्योंकि तेरे शायद क्योंकि तेरे सिम्टम्स कोई नहीं है ना, तो तू तू प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं है, तो राइट, तेरे अभी को बहुत सारे एटलीस्ट लोग, 3-4 हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि बहुत बिल्कुल बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है टेस्ट मेरे में। को उन्होंने यही बताया है कि अराउंड अभी 20 से 25,000 बंदे वेटिंग में है। 40,000 से भी ज्यादा है, मैंने कल जब न्यूज़ पढ़ी जिस है। जिस समय मैंने देखा था उस समय 20,000, हाँ अब आपने कल देखी तो 40,000 हो गया। हाँ ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, उन्होंने स्पेशली एचएससी ने अपने वेबसाइट पे भी लिखा है कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट इट्स अ बिग वेटिंग लिस्ट, सो दे ओनली गिविंग प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी ग्रुप। प्रायोरिटी ग्रुप में ये है कि सिम्टम्स हैं, कुछ जिनको हाँ कुछ नहीं सिम्टम्स हैं या जो बहुत ज्यादा सिम्टम वीक है। है, राइट। या तो आप वनरेबल हो जैसे तो आपको ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग बीमारी है, बूढ़े हो, तब आपको राइट। प्रायोरिटी ग्रुप में रखेंगे, या तो आप किसी के कांटेक्ट में आए हो रिसेंटली जिसको हुआ है बिल्कुल, जो जो जैसे। पॉजिटिव हो। हम हाँ गूगल में ये हुआ था, बट एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे को इस चीज का भी बहुत बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि हमारी जहां पे मैं काम करता हूँ तो गूगल बिल्डिंग में था, बट वो हमारे फ्लोर पे नहीं था, तो मेरे नहीं, को इस चीज का और बेनिफिट मिला है। उस केस में यूजली आप भी खुद को खुद ही आपको वो करते हैं जो उसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं होता, जो जैसे किसी को एक्चुअली पकड़ा है इन्होंने उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपका नाम आ गया बीच में, तो आपको खुद ही आपके अप्रोच करेंगे बुला के। तो आपको उसने कुछ बताया कि टेस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, कहाँ पर आपको कॉल देंगे, ड्राइव थ्रू में देंगे, टेस्ट सेंटर में देंगे? एक्चुअली मेरा ड्राइव थ्रू में होगा, जहां तक मुझे पता है, क्रोक पार्क जो है। मेरे को लगता है अभी तक, क्योंकि मेरे को अभी तक कंफर्म डेट नहीं मिली है और मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो आई थिंक दैट्स द रीजन।
अभी तक मेरे को मेरा टेस्ट सेंटर नहीं पता पड़ा है, बट आई एम श्योर कि मेरे लिए क्रोक पार्क ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, क्रोक पार्क पास में पड़ता है और हाँ वहां पे वहाँ ड्राइव, ड्राइव थ्रू है। राइट, तो आई एम श्योर कि मेरे को वहीं पे ही होगा। मेरे को सिर्फ इस चीज का डर लग रहा है कि लेट्स से कि मेरे को अभी नहीं है, बट मेरे को इस चीज का ज्यादा डर लग रहा है कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पर अगर हो जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे रिस्क मेरे रिस्क सिर्फ वहीं पे है, जैसे कि मोस्टली टेस्ट सेंटर में तो उन्होंने ये कहा है कि आप वहां पर जाओ, वहां पार्क करो गाड़ी, करके आपके पास खुद अप्रोच करेंगे, आपको मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे, तो आपको अंदर लेके जाएंगे, वहां पर भीड़ नहीं होगी। पर प्रॉब्लम वहां पर होगी जब आपके पास कार नहीं है, तब आपको टेस्ट सेंटर में जाना होगा, और वहां पर अगर काफी बंदे हुए, क्योंकि अब जैसे जैसे मोर रिसर्च हो रही है तो ये कह रहे हैं कि जैसे पहले कहते थे ड्रॉपलेट से फैल जाता है, ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि इवन दो कि कोई कोई भी बंदा, जो इन्फेक्टेड बंदा आपके पास आके बात भी कर रहा है ना, तो उससे भी आपको ये बहुत जल्दी फैल सकता है, तभी इसका इसका रेट इतना ज्यादा है। मोस्टली केसेस में स्नीजेस तो है ही नहीं, कफ है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है तो डेफिनेटली आप, है स्नीजेस ना, बहुत, स्नीज तो बहुत कम है यार, और क्या राइट, कहते हैं, स्नीज और खांसी, ये खांसी 6 मीटर तक उसके ड्रॉपलेट जा सकते हैं, छींक के 8 मीटर तक उसके ड्रॉपलेट जा सकते हैं, तो तभी ये इतनी जल्दी फैल रहा है कि किसी ने इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था। जैसे अब यूएस में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, तो वो और से ज्यादा टेस्ट स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो तभी उन्होंने अब सबको कहा है कि हर एक बंदे को मास्क डालना चाहिए, ठीक है, वो कुछ प्रोटेक्शन जरूर देगा, ठीक है, हाँ, आई थिंक यहाँ पे मतलब भी अब हो गया है कि हर बंदा, जैसे आज जब सुबह मैं रनिंग के लिए गया तो गार्ड्स ने मेरे को इन्फॉर्म किया कि एवरीबडी शुड हैव देयर मास्क एंड ग्लव्स। एटलीस्ट समथिंग, दे आर सेइंग कि जैसे आप घर पे मास्क बनाओ, जैसे आप जो रुमाल डाल के उसको साइड में हेयर बैंड डाल के वो लगा सकते हो, आपको कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी उस पे, ठीक है, राइट वो राइट जैसे आप आपको एडवाइस करते हैं कि यार आप गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट डालो, आपको बचा, इट्स काइंड ऑफ जरूरी है कि समथिंग, वो 100% बचा देगी, पर कुछ समथिंग इज प्रोटेक्शन तो बेटर है देन, ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ और तो मैं ये बात अगर इंडिया में, अगर कोई अगर इसको देख रहा है तो मैं इंडिया में भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ, गाइस हमने बहुत सारी वीडियो देखी और लिटरली मेरे को अंदर अंदर से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था मास्क से। मैं ये बात कम से कम 100 बार बोल चुका हूँ, सबको बोल चुका हूँ, मास्क से आप दूसरों को नहीं फैलाओगे पर ग्लव्स से आपको नहीं लगेगी। ग्लव्स पहनो, आई ग्लव्स डोंट का नो, पता ये है नहीं इंडियन कि ग्लव्स क्यों जैसे नहीं पहनते। आप मतलब मोस्टली अवॉइड करते हो कि अपने ग्लव्स डाले हुए, तो आपको पता लगता है कि मोस्टली बंदे क्योंकि एक्सीडेंटल टच बहुत करते हैं अपने फेस को, बिल्कुल तो आपने जब ग्लव्स डाले होंगे तो चाहे आपने सरफेस टच भी कर लिया, आपके ग्लव्स के ऊपर वायरस है, अपने ग्लव्स को हाथ की थ्रो कर, स्किन से नहीं जा सकता अंदर, पर आपके ग्लव्स पे है, तो आप आपको पता होगा जब आप टच कर रहे हो तो आपके ग्लव्स है, तो बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। यू विल फील ऑड, यू विल फील ऑड। या हाँ तो बट इन दी एंड सबसे बेस्ट है कि आप जब भी आप बाहर जा रहे हो, आप ग्लव्स भी डालो और मास्क भी डालो, ठीक है, यार मास्क डालो, लिटरली चाहे चाहे अपना दुपट्टा ही वो कर लो, चाहे रुमाल लेके उसको फोल्ड करके वो डाल लो। इंडिया में पॉपुलेशन तो खैर ये करने में माहिर है काफी, हाँ नहीं, यानी रुमाल तो सबके नहीं पास चल होता है, रहा। वो रुमाल तो मैंने सबको देखा, पर मोस्टली लोगों के हाथ वही है, क्योंकि अगर बंदा बाहर घूम रहा है, ठीक है, और उसने मुंह ऐसे ढका हुआ है, तो उसके हाथ पे वायरस आ गया, और मे बी उसको कुछ खाना पड़ जाए, और या फिर कुछ लेना पड़ जाए, सिंपल कुछ सी बात है स्क्रैच करना पड़ जाए, ठीक है, तो बाहर हाथ कहाँ दोगे फिर, आपके यार, पास सिंपल सी सैनिटाइजर भी बात नहीं है, है। आप हर जगह हाथ लगाते हो कि तीन चीजें चाहिए आपको, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स। कितना मुश्किल है इन तीन चीजों को करना, और उसके बाद आप 100 जगह हाथ लगा रहे हो। यार इंडिया में तो हाइजीन के नाम पे वैसे ही सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में है। आप वो पता ही है, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम वही से है ना, प्रॉब्लम इतनी वही है, सिंपल सी। इतना बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, इवन दो कि अगर आप चाइना से भी क्या क्या कंपेयर करोगे, तो वहां पर 150 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एरिया बड़ा है, और यहाँ पर रहते हैं 450 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, तो डिफरेंस बहुत है, और उनके पास हमारे से कंपैरिजन में हॉस्पिटल के बेड्स भी बहुत ज्यादा थे, तो तभी मेरे को थोड़ा इंडिया की थोड़ी ज्यादा वरीसम होती है कि यार यहाँ पर जब फैला तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत इवन बुरी दो तरह से होने वाली है और कल ही लोग मैं न्यूज देख रहा मान भी था, थे। कल ही मैं न्यूज देख रहा था कि
धारावी, मुंबई धारावी जो सबसे एशिया का पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है शायद, स्लम एरिया स्टार्ट हो चुका है फैलना। मैंने भी देखा था, आई थिंक कल ये परसों की ये न्यूज थी कि वहां पे एक बंदा पॉजिटिव मिल चुका है। लिटरली अगर वहां पे एक बंदा पॉजिटिव मिला है, इसका ये मतलब है कि धारावाही का किया जाएगा। नहीं, वहां पर तीन चार मिल चुके हैं, कल ही मैं एनडीटीवी में देख रहा था, तीन चार मिल चुके हैं वहां पर। तो अभी मेरे को लगता है वहां पर वही करेंगे, सारे एरिया को उन्होंने लॉकडाउन कर देना। राइट, और लॉकडाउन से याद आया कि क्या क्या लगता है लॉकडाउन अभी किसको खत्म करेंगे नहीं करेंगे लॉकडाउन से? तो जैसे कि मैं अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बिल गेट्स जी मेरे को ये समझने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेटिव, कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल, आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। बात इतनी सी है सिर्फ कि जब आप अपना ये ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, तो इस ग्राफ में जब तक सारी चीजें अप जा रही है, आपके नंबर्स अप जा रहे हैं, तो तब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुलेगा। There are no chances के लॉकडाउन खुलेगा। जब आपको पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं तो लॉकडाउन कैसे खुल सकता है? सिंपल सी बात है, लोग लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, तो अभी वो लॉकडाउन नहीं खुल सकता किसी भी तरह से। ठीक है, गवर्नमेंट जो चीजें बोल रही है, गवर्नमेंट को बोलना जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक है, उनको ये तो नहीं बोल सकते कि तीन महीने के लिए बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रही है, ब्रेव बेबी स्टेप्स है कि कैसे हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे सारे प्लान्स को। बट इट्स अ सिंपल मैथ्स के जब आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जब तक सैचुरेशन नहीं आ रहा है ग्राफ में, और जब आपके केसेस में डिक्लाइन नहीं आ रहा है, तब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। इट्स दैट सिंपल। जब आपके केस, जब आपके नंबर सैचुरेटेड हो चुके हैं, उसके दो हफ्ते तक, ऑफकोर्स दो से तीन हफ्ते कुछ लगेंगे इसमें, और उसके बाद ही लॉकडाउन खुल सकता है, बिकॉज इंडिया में चांसेस हाई है इस बात की लोगों में फैलने की। अगर मान लो कि लॉकडाउन भी सक्सेसफुल हो गया है, रेट्स भी लो हो गई है, पर गवर्नमेंट ने उसके बाद थोड़े टाइम का और लॉकडाउन नहीं रखा, और लेट्स से कि मार्केट में एक दो और पॉजिटिव निकल गए, बैक टू जीरो हो गए बेसिकली। वही मैं देख रहा था यार कि प्रॉब्लम तो है, पर मेरे हिसाब से लगता है कि ये शायद 5 दिन का गैप देंगे शायद, क्योंकि जो मैं देख रहा था कि एक चैनल पे स्टडी के अकॉर्डिंग कि इनको 49 डेज का लॉकडाउन चाहिए एटलीस्ट, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, एटलीस्ट टू फ्लैटन द कर्व। तो अभी जैसे निर्मला ताई ने वो कर दिया कि कंफर्म कर दिया है कि हम लॉकडाउन हटाएंगे, तो मेरे हिसाब से शायद ये 5 दिन का गैप दें कि थोड़ा सा पंप अप करने के लिए, थोड़ी इकोनॉमी भी चलेगी और थोड़ा सप्लाई और डिमांड थोड़ा चलेगा, उसके बाद ये 5 दिन के बाद फिर लॉकडाउन करेंगे। और फिर ये लॉकडाउन अभी 21 दिन का हुआ है, तो मेरे को लगता है 30 दिन का फिर होगा। Just I disagree on you with this because जैसे जैसे exactly time बताएगा, पर जैसे जैसे इंडियन पब्लिक को संभालना कितना मुश्किल है, और अभी somehow गवर्नमेंट ने उसको संभाल रखा है, जैसे और तैसे संभाल रखा है। अगर 5 दिन के लिए भी वो अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है, तो चांसेस रिस्क इतने ज्यादा है, और अभी जैसे चीजें चल रही हैं वो सही चले जा रही है। बढ़ेंगे केस जब लॉकडाउन हटाएंगे, केस और बढ़ेंगे, पर ये इन्होंने शायद मॉनिटर करना है उसके, किसको ये हिसाब लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो अटरम बटरम करेंगे ये। पर जैसे मेरे को लगता है कि 5 दिन एटलीस्ट ये देंगे, तो बाकी देखो क्या बनता है। पर इन दी एंड में थोड़ी सी मे बी गुड न्यूज कहूंगा कि हाँ, जैसे कि अब वैक्सीन की टेस्टिंग अमेरिका में पहले एक बंदी के ऊपर हो चुकी है, अब ये कह रहे हैं कि कोंगो में स्टार्ट करेंगे 3,400 बंदों के ऊपर, 3 महीने के अंदर इन्होंने स्टार्ट कर दी नहीं टेस्टिंग वो, इवन दो कि काफी बंदे कह रहे हैं कि कोंगो में कर रहे हैं तो ये रेसिज्म एक्ट और काफी कुछ है, बट इन द एंड वो स्टार्ट कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। और एक और जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसको भी कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल मेडिसिन है इस चीज की, इवन दो कि अभी मैं उसका ट्वीट देखा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो कह रहा था कि मोदी जी से बात हुई है, तो उन्होंने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट करी है कि हमारे लिए आप जो आपने बंद किया हुआ है एक्सपोर्ट इसका क्लोरोक्विन का, वो हमारे लिए खोलिए और हमें थोड़ा सेंड कीजिए, क्योंकि इसको एफडीए ने अप्रूव्ड कर दिया है दवाई को, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे खाए जाएंगे उसको,
ठीक है, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, और विदाउट डॉक्टर के कभी ना लो। और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उनके हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको वो रेकमेंड कर रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि कुछ हेल्प करती है, और COVID-19 को खत्म नहीं करती पर हेल्प कर सकती है, अवॉइड कर सकती है कि आप वेंटिलेटर पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा सुकून है, और थोड़ी गर्मियां भी आ रही है, तो मौसम भी चेंज होगा, तो देखो कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। राइट, जस्ट टू ऐड मोर टू द वैक्सीनेशन पॉइंट, मैंने कल बिल गेट्स की काफी वीडियोस देखी, जिसमें क्योंकि बिल गेट्स हैं, टेड टॉक वाली देखी, टेड टॉक्स वाली भी देखी थी, और ट्रेवर नोआ जो है उसकी, उसके साथ एक इंटरव्यू था, मैंने वो वाली वीडियो भी देखी, लिंक में मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पर उसमें बिल गेट्स ने ये बताया कि एटलीस्ट 7 to 8 डिफरेंट वैक्सीनेशन पे ये लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें से किसी एक को ये लोग पिक करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग होगी, राइट, बट जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ये 7 to 8 वैक्सीनेशन के प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें आई थिंक काफी बिलियंस वेस्ट होंगे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ आप एक वैक्सीन को, एक प्रॉमिसिंग वैक्सीन को करने की जगह आप 7 to 8 वैक्सीन पर ट्रायल चालू करेंगे, क्योंकि आपको उसका टाइम बचाना है, क्योंकि अभी अपने पास मेन टाइम की कमी है। आई से प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने घर से बाहर ना निकलें, 3 चीजों का हमेशा यूज करें, ग्लव्स, मास्क और एक डेटॉल या सैनिटाइजर, और इवन अगर मोदी जी अगर थोड़े टाइम के लिए ओपन कर भी देते हैं तो भी आल से घर से बाहर ना निकले, कम निकले, आपकी आपकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान रखना, जो भी आपके नजदीक कोई भी है या आप किसी को जानते हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंट है थोड़ा, और वो केयर नहीं करता इस चीज के बारे में, उसको थोड़ा पुश किया जाए, इवन दो कि वो कहता है मैं नहीं सुनना चाहता इसके बारे में, पर थोड़ा उनको भी एजुकेट किया जाए कि ये चीज करना गलत है। काफी लोग आपकी जिंदगी में होंगे जो इस चीज के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, इवन दो कि पूरी वर्ल्ड क्राइसिस में है, पर फिर भी काफी लोग होते हैं कि यार नहीं, मैं, मेरे को नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मेरे को सब कुछ पता है। पर जो भी है, जैसे आपको नई चीज पता लगती है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको भी समझाएं और अपना भी ख्याल रखें और खुद भी वो चीजें अपनाएं। आई थिंक दुबई वाले रूल्स इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए, जिसमें कोई भी बंदा अगर किसी ने थूका या किसी बंदे ने बात नहीं मानी, दे आर स्ट्रिक्टली, उनको बहुत डंडे पड़ेंगे या उनके ऊपर स्ट्रिक्टली फाइन लगेगा। आई मीन दुबई वाले रूल्स अप्लाई हो जाने चाहिए, तभी तो चाइना ने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनकी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है ना, तो उन्होंने डंडे के जोर पे सब कुछ वो कर लिया। तो पता लगा कि उनके भी सेकंड वेव आ गई है, अब 1500 नए केसेस आए हैं जिनके कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी सेकंड वेव अब स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली बिल गेट्स भी ये कह रहे थे अपनी वीडियो में कि एक बार सेकेंड वेव 100%, ये 99% भी नहीं, 100% है कि कमिंग विंटर्स में एक बार इसकी सेकेंड ये फिर से हो सकता है। तो बेसिकली तो ये सार्स ही है, सार्स 2004 या 2002 में हुआ था, तो वही सीन है, बस थोड़ा सा एडवांसमेंट है, थोड़ा सा ज्यादा फैल रहा है, इसकी मोर्टेलिटी थोड़ी कम है, वायरस भी इंसानों की तरह स्मार्ट होता जा रहा है। इवन तो कि कुत्तों को भी हो रहा था, मैं पता कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरे को इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। काफी पेट्स भी इटली में उन्होंने टेस्ट किए हैं और कोरिया में भी टेस्ट किए हैं, जैसे कोई ओनर को वो हुआ है COVID-19, तो उनको पेट को वो टेस्ट किया, तो उनके पेट को भी COVID-19। आई थिंक ये जानवरों से ही आई है, तो कह सकते हैं कि हाँ ये ऑफ कोर्स पेट में भी फैलेगा, क्योंकि जंप कर चुकी है, जूलॉजिक चीज हो चुकी है इसकी, तो ये सबको फैल चुकी है, और ये बर्ड्स को भी है शायद, आई थिंक, राइट। तो ये जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं बनेगी तब तक ये जाने नहीं वाली है बीमारी दुनिया से, काफी लंबा चलने वाला है, आई एम श्योर फॉर दिस, क्योंकि सारे अगर जैसे मान लो कि आप सारे लॉकडाउन करके सब बंदों को हट भी गया, तो क्या आप तक किसी जानवर में रह जाए, क्या आप तक किसी पक्षी में रह जाए,
या तो सबको नॉर्थ कोरिया की तरह होना चाहिए और शू. एनीवेज जस्ट थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और आई बिल्कुल थिंक कि हमें ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और शेयर करनी चाहिए. और जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग डब्लिन आयरलैंड में रहते हैं और इट्स वेरी गुड कि आप इंटरनेशनल न्यूज को देखें. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज डू कॉमेंट अस और वी विल ऑलवेज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू अस. और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, गाइज प्लीज लाइक एंड हिट दैट सब्सक्राइब. Yeah, like the video if you do actually like the video. Even if you don't like the video, then also like it. Yeah, ऐसे if थोड़ी लग रहे nothing, हैं. yeah, कुछ कुछ आता नहीं आपका. चलो सही है, ठीक है फिर. साइन आउट, Over and out. Thank बाय you. बाय.